just the grass. हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। वंस अगेन एक ब्लैक फ्राइडे सेल स्टॉक मार्केट में देखने को मिला। निफ्टी करीब 600 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके दो मेजर रीजंस बताए जा रहे हैं कि कल यूएस मार्केट देखे तो वहां पर यूएस बॉन्ड के वजह से ज़बरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला, और दूसरा मेन रीज़न था कि यूएस ने फिर से सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया है। ईरान ने जो अटैक किया था उसका रिटेलिएट ये यूएस ने यहाँ पर दिखाया, तो उसके मद्देनज़र पूरे ग्लोबल मार्केट्स में आज प्रेशर देखने को मिला। निफ्टी इंडेक्स का रिव्यू करें कल का, तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पर लेवल्स मार्क किए थे, ब्रेकडाउन और टारगेट लेवल्स, उसके नीचे काफ़ी नीचे निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और वन वे सेल ऑफ हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर जो कल हमने प्लान बनाए थे, जो जियो पॉलिटिकल ऐसी न्यूज़ आती है, पैनिक न्यूज़, तभी लेवल्स इस तरह से काम नहीं करते बाजार में, और एक ज़बरदस्त पैनिक न्यूज़ के कारण हमें एक स्ट्रेट सेल ऑफ देखने को मिलता है। तो ये कल के एनालिसिस का एक रिव्यू था। कल आज कल के प्लान के अकॉर्डिंग कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी जो हमने प्री मार्केट प्लान बनाया था। अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं, सबसे पहले मंथली चार्ट को देखेंगे। फेब्रुवरी मंथ भी ख़त्म हो गया है। अगर जनवरी का कैंडल देखें तो यहाँ पर शूटिंग स्टार जैसा कैंडल से एक पैटर्न बना था, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं मिला था। कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर इस कैंडल का लो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन 1 फरवरी को बजट था, उसके बाद ज़बरदस्त तेजी हमें भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली। लेकिन अभी जो फेब्रुवरी का कैंडल बना, ये मॉडरेट कैंडल यहाँ पर बना है, ना ही स्ट्रांग है ना ही वीक है, ये बीच में आकर ये क्लोज हुआ है। इस कैंडल का जो रेंज है इसके बीच में आकर ये क्लोज हुआ है, ऊपर टेल छोड़ दिया, यानी यहाँ पर भी बुल्स का कंट्रोल जो है एंड ऑफ द मंथ यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी ये शूटिंग स्टार जो कैंडल बना है और उसके बाद फिर से ये मॉडरेट बुलिश कैंडल बना है, तो यहाँ पर अगर ये लो को ब्रेक कर दे 13,596 के, तो हमें और गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये मंथली चार्ट का सिनेरियो है। वीकली चार्ट को देख लेते हैं। अगर आपने लास्ट फ्राइडे का वीडियो अगर आप देखा होगा तो यहाँ पर हमने निगेटिव डाइवर्जेंस मार्क किए थे, यानी RSI वर्सेस प्राइस एक्शन। RSI को देखें और प्राइस एक्शन को देखें तो एक चीज़ यहाँ पर पता चलती है कि प्राइस एक्शन में जब हायर हाइज बन रहे थे, इसने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके नया हाई बना दिया, लेकिन RSI ने यहाँ पर हाई नहीं बना पाया। RSI प्रीवियस हाई के नीचे यहाँ पर हाई बनाया है, तो यहाँ पर क्लियर कट निगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिले थे, यानी बुल्स का स्ट्रेंथ यहाँ पर कहीं ना कहीं कम होते हुए नज़र आ रहा था। ये हमें सिग्नल मिला था लास्ट वीक को ही, और इसके बाद हमें इस वीक में ये ज़बरदस्त फॉल आते हुए नज़र आ रहा है। तो ये डेली और मंथली चार्ट का सिनेरियो है। अभी 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वीक मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो आज का लो बन रहा है अराउंड 14,467 के पास, और अगर आप कुछ दिनों पहले जाकर देखें तो यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ है, तो ये गैप जो है वो अभी तक ये फिल नहीं हो पाया। ये जब गैप क्रिएट हुआ उसके बाद इसके ऊपर ही निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, ये गैप फिल होना बाकी है। तो निफ्टी इंडेक्स अगर मंडे को टूवर्ड साउथ की तरफ आता है और 14,463 को अगर ब्रेक करता है, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। एग्जैक्ट लो को मार्क कर देते 14,469.67 कर देते ब्रेकडाउन लेवल। इसको अगर ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं मंडे के लिए, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,423। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,390। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ आता है तो ये जो लेवल है, यानी ये लास्ट हाफ एन आवर में जो ज़बरदस्त गिरावट आई है, इसका हाई देखे तो वो जो 3 दिन पहले एक स्विंग लो बना के बाउंस बैक दिखाया था, जो सपोर्ट का काम कर रहा था लेवल 14,653, उसी के पास से ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना है। तो 14,653 को कम्प्लीटली ब्रेक करने दीजिए, तभी मंडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,678। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,699। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ये निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स है मंडे के लिए। अभी बैंक निफ्टी में क्या होगा,
मंडे के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूँ ये लो और ये लो को पकड़ के, तो हमें आज तीसरा पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पर 4 घंटे इसने एग्जैक्ट सपोर्ट टेस्ट किया है। तो हो सकता है मंडे के दिन हमें यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिले, अगर नहीं तो फिर आज का लो अगर मंडे को ब्रेक करता है यानी 34,651 के नीचे अगर सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 34,503, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 34,359, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है तो हो सकता है यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आए। ये एक सेकेंड, यहाँ पर ये हो सकता है फर्स्ट बॉटम, ये फिर से अब ये सेकेंड बॉटम, और फिर जब ये तोड़ेगा तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट होगा। तो इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए 35,225 को, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये मंडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 35,350, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 35,444, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के मंडे के लिए लेवल्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूला। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।